तो हम लोग अभी पढ़ेंगे आरआरबी का जो फर्स्ट सीट में सीट में पूछा गया था ग्यारह तारीख को ग्यारह जनवरी को वही बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही कम समय में देखिए क्या एक क्वेश्चन था जो उन्नीस में किस देश में महामंदी की शुरुआत हुई थी तो यूएसए में हुआ था किसान के हाथों कीटनाशक दवा उपयोग में उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान में एक सोशल जेल बनाया गया है मतलब कीटनाशक को से बचाव के लिए तो यह है इंस्टीट्यूट फॉर स्टीम सेल बायोलॉजी एंड यूडी मेडिसिन इन स्टीम द्वारा तो यूडी मेडिसिन स्टीम द्वारा एक दवाई बनाया गया है उसके बाद हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर है संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव कौन देश से हैं तो यूनाइटेड नेशन वो साउथ कोरिया से हैं उसके बाद रक्त किस सब प्रकार के उत्तक हैं तो ये संजोजी उत्तक हो जाएंगे चार नंबर हो गया पांच नंबर देखते हैं पांच नंबर में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना कब हुई तो ये दो हजार ईस्वी में हुई थी छठा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई तो छब्बीस जुलाई उन्नीस में हुई थी सतवा महिला ऑस्ट्रेलियाई ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी विजेता कौन है ये सोफिया केनिन है 1911 एलेवन में जॉर्ज प्रथम फोन महा महारानी मैरी के प्रथम आगमन पर मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किस शैली में निर्माण किया गया तो ये हो जाएगा इंडो सारा सोनिक शैली में किया गया था उसके बाद आगे हैं है, एस एल आर ठीक है एस एल आर का फुल फॉर्म लिक्विडिटी रेशियो 2018 में भारत की मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति के अध्ययन आह अध्यक्ष कौन थे तो श्री बाबा भावा कल्याणी थोड़ा सा प्रिंटिंग है मिस्टेक हो गया भावा उसके बाद इलेवन इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी ये अगस्त 11 जुलाई 1955 को बनी महात्मा गांधी को अफ्रीका ने बनाया है कथन किसका है तो चंदन देवन सन का है उसका एसीए एशियन एसी गेम्स 2018 में ओपनिंग सेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे तो रानी रामपाल थी जलती हुई मोमबत्ती में मिला हुआ मुंह किस प्रकार मोम होता होना चाहिए यहाँ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती के बत्ती पर चढ़ता है तो के में में किस के प्रक्रिया के द्वारा पंद्रह में अठ सत्रह सौ अंठानवे ईस्वी में शायद संधि किसके बीच हुई थी ये लॉर्ड वेलेजली के बीच हुई थी उसके बाद एक है सांची स्तूप की शहर में के समीप है इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल में 40 किलोमीटर दूर राय रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में अच्छा यहाँ थोड़ा सा सांची का स्तूप कहाँ है तो इसी का आंसर ये हो गया बस यहाँ प्रिंटिंग मिस यह, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया सॉरी चाहता हूँ इसके लिए चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं तो अगला पेज में ये हो गया देखिए क्या होता है अगला पेज में क्या है सत्रह तक हो गया है अठारह का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एक क्वेश्चन है जो किस पहाड़ी को एक क्वेश्चन क्या है एक क्वेश्चन है जो किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है तो किस पहाड़ी को कहा जाता है तो फोग पोई पर्वत को कहा जाता है अठारह में सर्वप्रथम उन्नीस सौ चौवन ईस्वी में भारत रत्न किसे दिया गया था तो सी राजगोपाल चाली को दिया गया था इसमें माई मदर एट सिक्सटी सिक्स पोएम किसके द्वारा लिखी गई है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है 20 नंबर में बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है तो वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 28 नवंबर को हुआ था 1930 में प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला किस वर्ष हारी हुई थी तो किससे हार हुई थी और कब हुई थी तो तेईस जून उन्नीस में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको हरा दिया था ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बारह तारीख ग्यारह तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में गिरनार पहाड़ी पर होने वाले आम का क्या नाम है तो केसर गिर केसर आम तो ये नाम से जाना जाता है उसके बाद एक क्वेश्चन और है देखिए क्या तो 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का नाम क्या है तो रियो समिट है राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनकी जांच हेतु अंतर्राष्ट्र हाँ अंत, अंतरराष्ट्रीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है इसका अनुच्छेद किसमें है टू सिक्स टू सिक्स थ्री में है उसके बाद देखिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था तो एक मार्च उन्नीस सौ अड़तालीस में हुआ था गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है अद्भुत अद्भुत विद्युतीय विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय के सिद्धांत पर काम करता है तीसरे क्वेश्चन है तीसरा तीस नंबर भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है जो आप फिल्म की जगत के सबसे बड़े पुरस्कार यही है जानते ही होंगे आप लोग हाँ तो आगे चलते हैं सर तो लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है तो चिकनकारी कला प्रसिद्ध है अब नेतृत्व तो क्षमता जिसके कारण नेत्र की क्षमता होना चाहिए जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करने करके निकट तथा दूर अस्त वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर सकता है ये क्या कहलाता है समंजन क्षमता वो नेक्स्ट पेज में होगा ये रहा आपका समंजन क्षमता ठीक है ये रहा समंजन क्षमता अब एक, एक और क्वेश्चन है जो क्या है एक निर्धारित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण क्या कहलाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में बी ओ पी कराते कर हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो सर आप लोग को यही रिक्वेस्ट है जो देखते रहें और सीखते रहें कम समय में बहुत ही कम समय बिना कोई लेक्चर के बिना कोई एक्स्ट्रा लेक्चर के सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं धन्यवाद